रणबीर कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर एसआरके को छोड़ा पीछे। पठान को बीट करके एनिमल बनी सेकंड बिगेस्ट हिट ऑफ 2023। क्या रणबीर की एनिमल एसआरके की जवान को भी दे पाएगी मात? रणबीर कपूर की एनिमल ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म ने कमाई के मामले में अब पठान को पीछे छोड़ दिया है। रिलीज से पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। जिस दिन एनिमल रिलीज हुई थी उसी दिन बॉक्स ऑफिस पर विकी कौशल की सैम बहादुर ने भी सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, लेकिन एनिमल की आंधी के सामने कोई भी फिल्म नहीं टिक पाई। एनिमल अपनी रिलीज के 30 दिन बाद साल 2023 की दूसरी सबसे बड़ी हिट बन चुकी है। रणबीर कपूर की ये फिल्म शाहरुख खान की पठान को लेकर कमाई के मामले में काफी आगे निकल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पठान की कुल कमाई 543.9 करोड़ है, वहीं एनिमल ने अब तक 543.93 करोड़ की कमाई कर ली है। कलेक्शन के मामले में ये अब बस शाहरुख खान की जवान से पीछे है। और अब जब फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ऐसे में ये फिल्म शायद ही जवान के करीब पहुंच पाए। जवान अभी भी 640 करोड़ की कमाई के साथ नंबर 1 पर बनी हुई है। जवान में शाहरुख खान के साथ साउथ स्टार नयनतारा नजर आई थी और इस फिल्म में देशभक्ति के एक अलग रंग को दिखाया गया था जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। वैसे रणबीर कपूर ने इस हिट फिल्म के जरिए सिग्नल दे दिया है कि यंग जनरेशन में उनसे बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है, और अगर एसआरके जैसे बड़े स्टार के रिकॉर्ड को कोई तोड़ सकता है तो वो रणबीर कपूर ही हैं।